मजदूर दिवस के अवसर पर झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन के नेतृत्व में राजधानी रांची के पिस्का मोड़ विश्वनाथ मंदिर से झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन के मजदूर साथियों ने राजभवन तक मार्च किया। राज्य सरकार इसमें ध्यान नहीं दी है क्योंकि जो भी असंगठित क्षेत्र में रहने वाले मजदूर हैं, छोटे छोटे यूनियन में बटे हुए हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास किसी ने नहीं किया है। और आज जिस तरह से रांची में ललित ओझा जी और उनके बड़े भाई, जिन्होंने आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन श्रमिकों को एक साथ लाने का प्रयास किए हैं और उनके डिमांड को हर समय लेकर के राज्य सरकार से रूबरू हुए हैं, और मान लिया अभी इस समय जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, उनको ध्यान देने की आवश्यकता थी कि जो मजदूर है इनका भी रोजी रोजगार, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है कि श्रम मंत्रालय के माध्यम से जो भी आपको काम करना है, श्रम कानून है, उसके माध्यम से उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए। तो तमाम अधिकार और हक को लेकर के लोग यहाँ आए हैं कि उनका जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, अपने घर के लिए रहने का असियाना नहीं, खाने का निवाला नहीं। तो ये कहीं ना कहीं अपना जब सुबह शाम खटते हैं तभी लेकर के आके खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की दोहरी नीति है। कहते हैं मैं राज्य की जनता के हित में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए लड़कों को ठग दिए, कृषि के क्षेत्र में देखिए किसानों को ठग दिए, और शहरी क्षेत्र में देखिए मजदूरों को ठग दिए। उनका जो रेट होगा सरकारी रेट, वो रेट को भी उन्होंने घटा बढ़ा लेते हैं। तो कम से कम आज जो आज का समय कहेंगे वैश्विक युग में लोग अपने बच्चों को अच्छा केयर करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं, तो ये जीवन यापन और अच्छा पढ़ाई के लिए उन्होंने किसी तरह का मूलभूत आवश्यकता इनके लिए नहीं किया। राज्य का रहने वाली जनता अगर मुठिया मजदूर करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था देने जाए। इन्हीं को लेकर के इन्होंने कहा काम करेंगे पूरा दिन भर, तो दाम भी आपको उसी टाइप से मिलना चाहिए, ऐसे मजदूरों का मांग है। और ये अपनी मांगों को लेकर के राजभवन में ज्ञापन सौंपेंगे और राजभवन के माध्यम से सरकार तक आवाज जाएगी। और आज आप राजधानी में घूमिएगा, जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, जो सबसे बड़ा राजधानी का पंडरा मंडी है, वो तो बंद है, लेकिन जुलूस के क्रम में हम लोगों ने देखा कि ये सरकार श्रम कानूनों का अनुपालन नहीं करा पा रही है, और बहुत जगह लोग काम कर रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं है। तो हम लोग आज राजभवन आए हैं क्योंकि राज्य सरकार से हम लोग को कोई भी नहीं है कि ये कुछ श्रम कानून को लागू करा पाएंगे या इनके हित में कुछ कर पाएंगे। हम लोग 5 सूत्री मांग देंगे, आज राजभवन जाकर हम लोगों ने मैसेज भेजाया है, अगर देंगे तो, नहीं तो हम लोग ज्ञापन वहाँ पर देंगे। और मजदूर हित का जो लड़ाई है इसको हम लोग बड़ा करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। आज आप देखिए राजधानी में कि धज्जी उड़ाई जा रही है श्रम कानून की, इनके लिए ना आवास है, ना सामाजिक सुरक्षा है, ना महिला बहनों के लिए कहीं पर कॉमन टॉयलेट है श्रमिक इलाकों में जहाँ ये काम करती हैं, या सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मजदूर जब वृद्ध हो जाते हैं तो इनके लिए रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं। तो इन सब को लेकर आज हम लोग सड़क पर हैं और हम लोग इस लड़ाई को बड़ा करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।